पापा ये क्या, आज आपने दवाइयाँ नहीं ली, क्यों? आपको मालूम है ना, डॉक्टर साहब ने दवाइयों का सेवन सही वक्त पे करने के लिए कहा था। दानिश के पापा सब कुछ बिना सिर हिलाए चुपचाप सुनते जा रहे थे, फिर अपना सिर दाई ओर घुमाते हुए कहा, बेटा बेटा बूढ़ा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। ये कहते हुए दानिश ने याद दिलाया कि आज उनका डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ बेटा, तुमने गाड़ी वाले को बोल दिया था ना? क्या पापा, मैं इतनी अहम बात कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए मैंने पहले से ही उबर गाड़ी शाम 7:30 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया था। वाह बेटा, अब गाड़ी बुलाना कितना आसान हो गया है ना? नहीं तो पहले हमारे जमाने में हमें गाड़ी के लिए काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, फिर जाकर कोई गाड़ी मिला करती थी। और फिर वो मुस्कुरा उठे, फिर उन्होंने याद दिलाया, क्या तुमने बिजली के बिल जमा कर डाले? ओ पापा, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, यूं मिनटों में बिल जमा किए देता हूँ ऑनलाइन। कहते हुए दानिश भी हल्का मुस्कुरा दिया। इस बीच दानिश ने मेज पर रखे अपने बेटे की तस्वीर पापा को दिखाई। दानिश के पापा ने इस तरह से अपने बूढ़े उंगलियों को तस्वीर पे डाली मानो वो उसे अपने गले से लगा लेना चाह रहे हो। तभी उनके कान में आवाज आई, पापा पापा अब मैं चलता हूँ, शायद घर के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। अब थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं कल बात करता हूँ, अभी दफ्तर जाने के लिए देर हो रही है। बाय बाय पापा, टेक केयर। ये कहते ही दानिश के पापा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर वो अपने सिर से वर्चुअल रियलिटी चश्मा उतारते हुए मेज पर रख देते हैं। साल 2030।